चलते हैं बच्चे, मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों, इस सीरीज में हम करें डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, और 17। ठीक है, पहले 16 को रीड कर लेते हैं। द मीन ऑफ 100 नंबर्स इज 45। ठीक है, 100 नंबर्स हैं उनका मीन 45 है। द मीन ऑफ लास्ट 99 नंबर इज 44। तो लास्ट के जो 99 नंबर है उनका मीन जो 44 है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो हमें बच्चों फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। ठीक है, आइए हम इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो सबसे पहले मीन ऑफ लिख लेते हैं, द मीन ऑफ 100 नंबर्स इक्वल टू 45। ठीक है, सम भी फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ 100 नंबर। तो क्या करेंगे, 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सम आ जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर ऐसे 100 नंबर हैं और लास्ट के 99 है, यानी टोटल तो 100 नंबर है, लास्ट के 99 है और ये जो बाकी बचता है ये फर्स्ट नंबर में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, 100 नंबर्स का जो सम है उसमें से 90 नंबर का जो सम होगा वो माइनस कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, द मीन ऑफ 99 नंबर्स इक्वल टू कितना, 44। ठीक है बच्चों, द सम ऑफ 99 नंबर्स। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देना 99 इंटू 44। ठीक है, इधर इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 99 44 को, 4 9 36 कैरी 3, 4 9 36 और 3 39। ठीक है बच्चों, यही आने वाला है, तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूं और इसको हम क्या कर देते हैं, 9 और 3 12 और ये इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया, तो 4 3 5 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो कैसे होगा, सम ऑफ 100 नंबर्स माइनस सम ऑफ लास्ट 99 नंबर्स, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर बच्चों 4500 लिखना है और माइनस, फिर यहां पे है सम ऑफ लास्ट 99 नंबर जो है 4356 और इनको माइनस करते हैं, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, यहां पे रह गया 9 में से 5 माइनस किया 4 और यहाँ पे बच्चों रह गया 4 में से 3 1। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना। अब हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, आइए रीड कर लेते हैं, देखिए क्या लिखा है, सॉरी 17 करेंगे अब हम। द मीन मेडियन एंड मोड ऑफ 4 नंबर इज 8। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स फाइंड करने की वो कौन कौन से नंबर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 17। तो मीन, ठीक है, मीडियन ये भी हम लिख लेते हैं और मोड, ठीक है, मोड ये क्या है बच्चों, इसमें 8 गिवन है और स्मॉलेस्ट नंबर भी गिवन है। स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, ठीक है, अब इसमें मोड भी गिवन है, मोड
तो मोड बच्चों, मोड वो नंबर होता है जो नंबर्स में ज़्यादा टाइम्स आता है। जितने भी हम नंबर्स लेते हैं उनमें जो भी नंबर होगा वो अगर ज़्यादा टाइम्स आया हुआ है, ठीक है, वही मोड कहलाता है। तो मोड इसमें अगर ये मीन मेडियन मोड 8 है तो इसका मतलब मोड 8 2 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 4 नंबर है। अब मैं अगर इसको लिखना शुरू करूँ तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ये मीन मेडियन मोड हो गया, ठीक है। अगर इसमें मोड भी है तो इसका मतलब 8 तो कम से कम होगा ही होगा ना, 2 टाइम्स। तो इसमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है, हम उसको लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट द फोर्थ नंबर। इक्वल टू एक्स। अब देखो यहां पर हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे इजी तरीके से। देखो ये फर्स्ट नंबर हो गया प्लस ये सेकंड नंबर हो गया जो मीन मोड दिया हुआ है, और ये अगर मोड है तो 8 तो 2 टाइम्स आना ही आना चाहिए, और फोर्थ नंबर हमने एक्स मान लिया, और इसका मीन निकालते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और लेके, बट मीन कितना गिवन है 8, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, इस 4 को इधर ले आना, इनको सबको ऐड कर दीजिए, 8 और 8 16 और 7 23, तो 23 प्लस एक्स, और यहाँ पर ये 4 इधर डिवाइड के फॉर्म में, तो इधर आकर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया इस तरीके से, और मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, ठीक है। हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो इधर 32, ये 23 इधर प्लस है, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। आइए माइनस कर लेते हैं, 2 में से 3 माइनस नहीं हो गए, यहाँ से बोरो लिया, 12 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 9, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब फोर्थ नंबर क्या है, 9 है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।